हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज़ भावेश और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रही थी। थ्रोन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का अर्श, ये टाइटल है। तो टाइटल के हिसाब से तेरे को क्या लगता है, क्या होगा इसके अंदर? अल्लाह का अर्श, वो अल्लाह के जो होते हैं, अल्लाह ने जो दिया है हमें। अर्श का क्या मतलब होता है? अर्श अर्श मतलब आसमान ही होता है शायद, है ना? कहावत सुनिए, अर्श से फर्श तक ले आए, मतलब ऐसा कुछ कहावत होती है। तो ठीक है, देखते हैं वीडियो में क्या है, वीडियो के टाइटल के हिसाब से उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। फिर भी अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो अब बाकी बातें वीडियो देखने की बात करते हैं आपसे। शुरू करें वीडियो। نفس إن لم تظفري لا تجزعي सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया और जो सब पर रहम करने वाला है, और वही है जिसका हुक्म सबके ऊपर है। बस वही एक है जो हमारी इबादत के काबिल है, ना ही उसका कोई साथी है और ना ही कोई हिस्सेदार, ना ही कोई बेटा या बेटी, ना ही उसको कोई सलाह देता है, और कोई ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी कर सके। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो बादशाहों का बादशाह है। बस एक उसी का कानून हर एक चीज पर चलता है। वही हमें जिंदगी देता है और वही हमें मौत देता है, लेकिन मौत का उस पर कोई हुक्म नहीं चलता क्योंकि वो अमर है और खुद को पालने वाला है। वो हमेशा से था और रहेगा, और बस वही इकलौता सच है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसकी ताकत हर एक चीज पर चलती है, और हकीकत में ना ऐसी कोई ताकत है और ना ही कोई शक्ति, ना कोई पहचान जो हमें फायदा या नुकसान पहुंचा सके उसके अलावा। वही है जिसने इस जटिल दुनिया को बनाया, उसमें से कुछ हमें दिखता है और कुछ नहीं दिखता, कुछ जो जाहिर है और कुछ के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। पृथ्वी और जो कुछ भी उसके ऊपर है या उसके अंदर। वही है जिसने अपने पैगंबरों और नबियों को भेजा अलैहिस्सलाम, सिर्फ एक खुदा की इबादत का कॉमन मैसेज लेकर, जिसका आसान सा मतलब है कि ऐसा कोई नहीं जिसकी हम इबादत करें या हुक्म माने सिवाय उस खुदा के, जिसका हुक्म हर एक चीज पर चलता है और जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। इससे पुराने संदेश जो पैगंबरों के साथ अलग अलग इलाकों में भेजे गए, उनको बदल दिया गया, और वो पैगंबर जो उनको लेकर आए उनके नाम भी कई खो चुके हैं। हमें अल्लाह ने कुरान के जरिए बताया है, हमने हर मुल्क में अपने पैगंबर भेजे एक ही संदेश के साथ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और नकली भगवानों को मत पूजो। और सिर्फ इस्लाम ही है जिसमें ये जरूरी जानकारी कुछ इस तरह संभाल के रखी हुई है जैसे कोई और धर्म इसको नहीं रख पाया। इसलिए नहीं कि उनका संदेश इससे कुछ अलग था,
सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में और कोई पैगंबर नहीं आने वाला, इसलिए इस आखिरी संदेश की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी और इसकी हिफाजत इस तरह से की जानी थी जैसे किसी और संदेश की उससे पहले नहीं की गई। ظَنٌّ جَمِيلٌ وَافِرٌ قَدَّمْتُهُ मैं नास्तिकों से कहता हूं, जिस चीज का तुम्हें सिर्फ 40 साल पहले पता लगा और जिसे तुम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हो, वो कुरान में हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। सूरह अनबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 30। क्या काफिरों को यह समझ में नहीं आता कि पहले हमने दुनिया और कायनात को एक साथ कसकर दबाया और फिर विस्फोट करके हर चीज वजूद में आई? इसको आप एक स्प्रिंग की मिसाल से समझ सकते हैं। आप स्प्रिंग को दबाते चले जाते हैं जब तक कि वो छोटा और छोटा होता चला जाता है और उसमें ताकत इकट्ठी होती चली जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो झटके से उड़कर दूर चला जाता है जैसे कोई विस्फोट हुआ। तो जो चीज़ आपको 40 साल पहले पता चली वो तो हम लोग 1400 साल पहले से ही जानते हैं कुरान में। किसने ये बात बताई होगी उस समय? तो नास्तिक कहते हैं कि किसी ने बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा या तुक्का मार दिया होगा। एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, या चाहे जो भी कुछ वो करता हो, कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों मैं इस दुनिया में आया, क्या मेरा इस दुनिया में आने के पीछे कोई मकसद है? अगर है तो वो क्या है? अगर इसका जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ हमें बनाने वाला ही दे सकता है। जिसने हमें बनाया है बस वही तो हमें बता सकता है कि उसने हमें क्यों बनाया और वो आखिर हमसे क्या चाहता है और इस ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। अल्लाह ने शुरुआत से आदम को बनाने के समय से ये बता रखा है कि वो हमसे क्या चाहता है, और वो एक बहुत आसान और सिंपल सी चीज़ है कि बस मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी और को अपना खुदा या भगवान मत मानो। और ये ज़िंदगी सिर्फ एक टेस्ट है कि हम इस बात को अमल में लाके इस पे ज़िंदगी भर कायम रह पाते हैं या नहीं। इसलिए हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से जाते हैं। ज़िंदगी और मौत इस टेस्ट की शुरुआत और अंत भर है। इससे अगली ज़िंदगी जो इसके बाद आएगी उसमें कोई भी नहीं मरेगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, दोनों को वापस ज़िंदा किया जाएगा। कुछ को सुंदरता और खुशियाँ मिलेंगी और कुछ को बदसूरती, सज़ा और बेइज्जती। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आपने इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। सभी पैगंबरों ने बस यही सिखाया कि इब्राहिम के खुदा की इबादत करो। अर्श और कुर्सी का खुदा, हम यहाँ पूरे ब्रह्मांड और उसके बाहर जो भी है उसके खुदा की बात कर रहे हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं और इसकी कई चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और बेशक खुदा ने इस दुनिया को बनाया भी बहुत खूबसूरती से है। इस दुनिया में इस समय लगभग 600 करोड़ लोग हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें अभी और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जगह बाकी है। लेकिन देखा जाए तो इस दुनिया का आकार, साइज क्या है उन चीजों के मुकाबले जो अल्लाह ने ब्रह्मांड में बना रखी हैं? कुछ भी नहीं। इस दुनिया का कोई वजूद, कोई हस्ती या कोई कीमत ही नहीं है अल्लाह के सामने अगर देखा जाए तो। सिर्फ सूरज से ही बराबरी करी जाए तो यह दुनिया कुछ भी नहीं, और सूरज तो सिर्फ एक तारा है अनगिनत तारों में से। अगर आप सूरज के अंदर हमारी दुनिया को भरेंगे तो 13 लाख दुनिया भरने के बाद वो पूरा भरेगा। 13 लाख दुनिया को जोड़ने के बाद हमें सिर्फ एक सूरज जितना बड़ा आकार मिलेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और सूरज तो सिर्फ एक तारा है, ब्रह्मांड में तो सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े अनगिनत तारे मौजूद हैं। और करोड़ों करोड़ तारों को आपस में मिलाकर एक आकाश गंगा बनती है, और ब्रह्मांड में तो अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के अलावा ये सब जो कुछ आपको दिखता है आसमान में, करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सियां जो हमें दिखती हैं,
كافرون قدمته أمشي به. ये सब कुछ सिर्फ पहला आसमान, पहला ब्रह्मांड है. ये सब कुछ सिर्फ पहला ब्रह्मांड है, लेकिन अल्लाह ने इसके ऊपर सात और आसमान, सात और ब्रह्मांड बना रखे हैं. सात ब्रह्मांड और पहले आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता 500 साल का है. मतलब 500 साल में आप जितना रास्ता कवर कर सकते हैं, लेकिन कितनी स्पीड पे सिर्फ अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है. लेकिन 500 साल लगेंगे हमें पहले ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, और फिर 500 साल दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, तीसरे से चौथे में जाने के लिए, चौथे से पांचवे में, पांचवे से छठे में, छठे से सातवें में. हर बार हमें 500 साल लगेंगे. और सातवें आसमान के बाद आप सभी ने आयतल कुर्सी पढ़ी होगी. हम सब आयतल कुर्सी जानते हैं. इन सात ब्रह्मांडों के बाद अल्लाह की कुर्सी आती है, अल्लाह की चेयर. अभी हमने जिन सात ब्रह्मांडों की बात करी, अल्लाह की कुर्सी के सामने उनका कोई कोई वजूद ही नहीं, कोई औकात ही नहीं. जैसे कुर्सी के सामने कुछ हो ही नहीं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें एक जानकारी मिलती है, जिससे हम कम से कम एक कंपैरिजन कर सकते हैं अल्लाह की कुर्सी का सात आसमानों से. अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल लीजिए, कोई भी अंगूठी, जितनी बड़ी चीज़ जो आपके पास हो, और उसे एक रेगिस्तान में रख दीजिए, जैसे सारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान. तो जो अंगूठी हमने अभी सारा रेगिस्तान में रखी है, तो क्या मुकाबला है उस अंगूठी का उस रेगिस्तान के मुकाबले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. तो उन सात ब्रह्मांडों को वो अंगूठी मान लीजिए, और उस सारा रेगिस्तान को अल्लाह की कुर्सी. और अल्लाह की कुर्सी के बाद आता है अल्लाह का अर्श, अल्लाह का अर्श. तो फिर से हदीस में एक कंपैरिजन दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे हम कंपैरिजन को समझ सकें. फिर से अपनी अंगूठी को उसी रेगिस्तान में रख दीजिए, लेकिन इस बार वो अंगूठी अल्लाह की कुर्सी है, और वो सारा रेगिस्तान अल्लाह का अर्श. तो कुर्सी का अल्लाह के अर्श से क्या मुकाबला? कुछ भी नहीं. फिर उसके बाद आते हैं वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठा रखा है. उनके सर सातवें आसमान में हैं और पैर हमारी दुनिया तक. और फिर दोस्तों उसके बाद आता है हमारा मालिक खुद. वो हमारी सोच से परे है. अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की महानता, उसकी ग्रेटनेस हमारे इस छोटे से दिमाग के बिल्कुल परे है. और ये है वो जिससे हम पंगा लेने की सोचते हैं. अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं. वो अमर है और सब कुछ देखता है. ना वो कभी थकता है और ना उसे कभी नींद ही आती है. जो भी कुछ खानात में है सब उसी का है. कौन है वो जो हमारी तरफ से सिफारिश कर दे उसके सामने बगैर उसकी इजाजत के. तुमसे पहले क्या था और तुम्हारे बाद क्या होगा, उसको सब कुछ पता है. लेकिन हमें उसके किसी प्लान की जानकारी ना कभी थी और ना ही कभी हो सकेगी, सिवाय उसकी मर्जी के. उसका अर्श फैला हुआ है सारी दुनिया और कायनात के ऊपर. जमील
और पूरी कायनात को जिंदा रखने में उसे कोई थकान भी नहीं होती। वो सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा ताकतवर। كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك 1 2 3 तो ये था वीडियो अल्लाह काश। तो समझ में आया थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, एक गद्दी होती है, कुर्सी होती है, वो उसको शायद थ्रोन बोला गया है। तो उसके बारे में बताया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सारी बातें जो हमें नहीं पता थी वीडियो के थ्रू में पता चली कि एक्चुअल में जो एक तो जो सात आसमान वाली बात बोली है, जो एक गैलेक्सी होती है उसके ऊपर एक गैलेक्सी और होती है, 500 साल उसका रास्ता होता है और उसकी स्पीड क्या है वो बिल्कुल पता नहीं है, और उसके बाद वो जो अल्लाह का अर्श है वहाँ पे है, और एक मतलब ऐसी चीज़ है जो अपनी सोच होती है उससे परे होती है, इंसान सोच नहीं सकता है, जो एक पैमाना होता है इंसान के सोचने का उस सोच से काफ़ी अलग है ना। तो तेरे को क्या समझ में आया तो बता दे। बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत इम्पोर्टेंट, अलग अलग लोग थे, अलग अलग बातें बोली। और एक वो बोला कि एक जो सूर्य होता है उसमें 13 लाख पृथ्वी आ जाती है। हाँ चलो, ये तो शायद मैं पहले से पता था, जो भी आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में ये बताते हैं नॉर्मली, टीवी पे, नेट जियो पे, डिस्कवरी में, सब सारी चीज़ें पता होती है। उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें तो 14 साल पहले कुरान में ऑलरेडी थी, ये तो अभी अभी डिस्कवर हुई है। तो साइंस का मतलब ये है डिस्कवर करना, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसके बारे में डिस्कवर करना ही साइंस कहलाता है। तो यही है, और जो पता करता है वो सोचता है कि मैंने पता किया है बस, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी होती है ना, पता करना ही अलग चीज़ होती है, और उस चीज़ को यूज़ करना, उसको समझना, और दुनिया में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ से परे होती है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं क्यों। यस ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए। अगर आपने भी हमारे साथ इस वीडियो को पहली बार देखा है तो आप भी बताइए कि आपको कुछ चीज़ें जो नहीं पता थी वो आपको पता चली है, और भी वीडियो में क्या था जो हमने सही तरह से समझा नहीं है वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, और कोई भी वीडियोज़ हों और भी इससे रिलेटेड वो भी मुझे आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम और देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल का नाम है लिंक है डिस्क्रिप्शन चैनल। ओके, वो है नाम याद नहीं आ रहा है, द मर्सीफुल सर्वेंट है ना। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इनके चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसे ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ में। आपको लगता है कि और भी कुछ अलग वीडियो हमको देखने चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ हमें सेंड कर सकते हैं क्यों बोल। यस ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।